ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना आजकल ट्रेंड बन गया है। हर कोई घर बैठे खाना ऑर्डर करता है। ऐसे ही ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर एक शख्स को 91,000 रुपये चुकाने पड़े। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक इंजीनियर छात्र ने जोमेटो से एक काठी रोल और एक रुमाली रोटी ऑर्डर की, जिसके लिए उसे 91,000 रुपये चुकाने पड़े। बताया जा रहा है कि एक फ़ोन कॉल ने इस छात्र से बात करते हुए इसके अकाउंट से ये रकम उड़ा डाली। जोमेटो का कैश वापस करने के नाम पर किसी ने सिद्धार्थ बंसल को 91,196 रुपये निकाल लिए। इस दौरान कुल 7 ट्रांजेक्शन हुए। जब तक फ़ोन पर आए मैसेज वो देख पाता, बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थ के पिता सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और माँ निजी अस्पताल में डॉक्टर हैं। इससे पहले एक उपभोक्ता अदालत जोमेटो और एक होटल पर जुर्माना लगा चुकी है। दरअसल जोमेटो ने शाकाहारी व्यंजन की जगह मांसाहारी व्यंजन वितरित किया, जिसके बाद अदालत ने दोनों पर 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उपभोक्ता अदालत ने जोमेटो को 45 दिन के भीतर पुणे के वकील देशमुख को जुर्माने की राशि देने के निर्देश दिए थे, जिन्हें न केवल एक बार बल्कि दो बार मांसाहारी व्यंजन दिया गया था। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.